अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अरे बेबी तुम आ गई, तुम यहाँ तो अंदर कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी देर पहले ही आए, अंदर सो रहे हैं। अरे बेबी कहाँ जा रहे हो? मैं दुबई जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए वहाँ से सोने का हार लेके आना। अरे नहीं, मैं सिंगापुर जा रहा था। ठीक है, मेरे लिए कॉस्मेटिक लाना। ओह नो। अरे मैं तो नर्क जा रहा था, नर्क। ठीक है जाओ। अच्छा क्यों, अब कुछ नहीं बुलवाना? भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ध्यान रखना। पैसे चाहिए? हाँ। कितने? यही कोई 20-25 रुपए। इतने पैसों का करोगे क्या तुम? बीड़ी सिगरेट गुटखा सब बिकता है, सब खरीदूंगा। तुम होश में तो हो? नहीं, नशे में हूँ। बेबी मुझसे कल गलती हो गई। क्या? कल मैंने तुम्हारे पर्स में से 500 रुपए चुरा लिए थे। कोई बात नहीं बेबी, तुमने गलती मान ली वही बहुत है मेरे लिए। अरे पारुल यार, मैंने एक बार तेरे पर्स से 1000 रुपए चुराए थे। तो सुंदर लड़की देखी नहीं और नंबर देने आ गया? अबे खेबड़ी पार्किंग की स्लिप है ये। बेबी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम मुझे मना तो नहीं करोगी? कैसी बात कर रहे हो बेबी, मैं तुम्हें कभी मना कर सकती हूँ? मांगो, क्या मांगना है? मुझे 10,000 रुपए लग रहे थे। ए पैसे ऐसे नहीं है, पप्पी वप्पी चाहिए तो बोल। हे आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अबे खेबड़ी, मैंने बोला तो गर्लफ्रेंड बनने के लिए। चलो अब लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ, नहाना है मुझे। ठीक है जाओ। आज ऐसा नहीं बोलूंगी, अकेले अकेले। अबे पागल है क्या, इतनी ठंड है तू ही अकेले नहा। शादी से पहले जिसे मैंने डेरी मिल्क सिल्क और किटकैट दी थी, वही आज शादी के बाद मुझे टिफिन में टिंडे करेले लौकी दे रही है। अरे पारुल जी, मेरा दोस्त वीर आपको बहुत पसंद करता है। कौन वीर? अरे वही जो आपके घर के सामने दिन रात खड़ा रहता है। अच्छा अच्छा हाँ, उसके साथ एक काला कलूटा लड़का भी खड़ा रहता है, वही ना? अरे उस लड़के के बारे में ढंग से बात करो तुम। क्यों? वो काला कलूटा मैं ही हूँ। बेबी मैं सोच रहा था संडे तो हम भाइयों को जल्दी सुला दे। देखो जानू, इश्क मोहब्बत एक तरफ, अगर ठंडे ठंडे हाथ लगाए ना तो थप्पड़ थप्पड़ मारूंगी। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है? यार ठंड में ना दो बहुत बड़ी परेशानियाँ होती है। अच्छा वो कौन सी? पहली छांव में बैठो तो ठंड लगती है। अच्छा और दूसरी? धूप में बैठो तो मोबाइल की स्क्रीन नहीं दिखती है। सुनो तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? पिज्जा। और तुम्हारा? मैंने तो मेरा फेवरेट फूड आज तक खाया ही नहीं है। क्या? तुम। अरे सोनू भैया सुनो। यार तुम मुझे प्लीज सोनू भैया मत बुला करो। तो क्या सुनेंगे फिर आप? यार डायरेक्ट भैया भी तो बोल सकती है, नाम लेना जरूरी है क्या? चन से जो टूटे कोई सपना। यार लड़कियों का ऐसा कौन सा काम है जो तुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है? अबे ये तो अच्छा काम है, इसमें बुरा क्या है?